शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंजारी नगर में आए दिन सुअर का आतंक बढ़ने से परिसर के लोग काफी परेशान हैं। मनपा का स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग परिसर के नागरिकों ने की है। बंजारी नगर और मेडिकल परिसर के पीछे बनी जंगली झाड़ियों में दर्जनों सुअरों का आतंक है, जिसे परिसर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मनपा का स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग यहां के नागरिकों द्वारा की गई है। इस समय में इनविजन की टीम बंजारी नगर के पास में है, जहां पे सुअरों का आतंक है। जी हां, चलिए ये पूरा माजरा क्या जानना चाहेंगे इस बंजारी नगर के कुछ नागरिक हमारे साथ है, उनसे। सर, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम अब्दुल मोइन है, मैं यहाँ का सेवक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 2-3 महीने से हम यहाँ के नागरिक बड़े परेशान हैं। यहाँ पर सुअर कई लोगों ने लाके डाल दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी परेशानी हो रही है। धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, दरगाह है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं और ये जानवर रात के वक्त यहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद में बड़ी आवाज़ें निकालते हैं, छोटे बच्चे डर जाते हैं। और कई ज़ायरीन मुकद्दस बाबा जानकी दरगाह होने की वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा है। लॉकडाउन नहीं है, मगर परिसर के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी है। रात में जानवर कुत्ते वगैरह भी भोंकते हैं और ये जानवर रात में आते हैं, और हमारे धर्म के मुताबिक इसे ठीक नहीं कहा जाता, मगर हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस तरफ ध्यान दे। 3/7/2020 को हम दरगाह ट्रस्ट के लोगों ने झोन नंबर 4 धंतोली झोन के अंदर में और नगर सेवक गोपाल जी चुटेले और काटगाय मैडम, इनको भी सूचना दी थी और धंतोली झोन में भी हमने आवेदन दिया है इस बारे में, मगर अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए हम बड़ा खेद व्यक्त करते हैं। हम प्रशासन से ये चाहते हैं, नागपुर महानगर पालिका से, धंतोली जोन से ख़ास करके, कि वो इस तरफ ध्यान दे। और हमारी जो मांग है कि ये जानवर जिन लोगों ने छोड़ा है उन पर कार्रवाई की जाए। ये धार्मिक स्थल बहुत पुराना है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, और ये जो जानवर है ये जानवर अच्छे तरह नहीं है। चाहो तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता, मगर इसे छोड़ता कौन है अब ये तो हमें नहीं मालूम, मगर सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि ये कापला बस्ती, जो धंतोली झोन के करीब में जो बस्ती है कापला करके जात तरोड़ी की तरफ, वो वहीं के चंद लोगों ने छोड़े हैं। वो किन ने छोड़ा ये हमें तो नहीं मालूम, मगर उन्हीं लोगों ने छोड़ा है। तो हमारी उनसे गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है कि वो इस तरफ ध्यान दे। धन्यवाद। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ऐसा इनका मानना है। जल्द से जल्द नागपुर महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग इस ओर क्या कदम उठाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।